आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आबकारी नीति घोटाला मामला विजय नायर और अमित अरोड़ा से पूछताछ करेगी ईडी। ईडी को कोर्ट से मिली है पूछताछ की अनुमति और आपके पूर्व संचार प्रभारी हैं विजय नायर, रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं अमित अरोड़ा, तिहाड़ जेल में बंद हैं विजय नायर और अमित अरोड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि आबकारी नीति घोटाला मामले में ये खबर सामने आई है जहां पर विजय नायर और अमित अरोड़ा से पूछताछ करेगी ईडी। ईडी को कोर्ट से मिली है पूछताछ की अनुमति और आपके पूर्व संचार प्रभारी हैं विजय नायर और रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं अमित अरोड़ा, तिहाड़ जेल में बंद हैं विजय नायर और अमित अरोड़ा, जिससे ईडी पूछताछ करेगी। आबकारी नीति घोटाले मामले पर ये पूछताछ की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूनुस खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस, आज विजय नायर और अमित अरोड़ा से पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट के आदेश के बाद ये पूछताछ होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ विशेष जानकारी? मैं आपको बताना चाहूंगा, ईडी में आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में न्याय हिरासत में विजय नायर और अमित अरोड़ा के बयान पर अगली पूछताछ करने के लिए अनुमति मिल गई। विजय नायर जो आपके पूर्व संचालक प्रभारी है, वही नैयर पहली बार जब सीबीआई के बाद अब ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो अमित अरोड़ा को बड़े जो आबकारी नीति घोटाले में जो बयान है वह दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में उन्हें आरोपी बनाया हुआ है। यूनुस, अगर देखा जाए तो एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के नेता है या कार्यकर्ता है या फिर आम आदमी पार्टी से जो जुड़े लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मैं जैसा आपको बताना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया के पास जैसे संजय सिंह अरब नाम आ रहा है, जैसे राघव चड्ढा, अब ईडी ने जो चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि शराब नीति घोटाले में कई राज्यों और सरकारी अधिकारियों के अधिसूची होने की प्राप्ति हो रही है। वहीं जैसे ईडी की दिल्ली आबकारी नीति के घोटाले जो मामला है, निदेशालयों के बीते साल से जाँच चल रही थी, जाँच अब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सहित दक्षिण के कई नेताओं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। यूनुस, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अमित अरोड़ा और विजय नायर से कब पूछताछ की जाएगी? अभी जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, अमित अरोड़ा और ये दोनों ही व्यक्ति अभी तिहाड़ जेल में बंद है, विजय नायर और दोनों ही अभी दिल्ली पुलिस को जो इनको ईडी की तरफ से अभी छानबीन करने के लिए इनको कभी भी संबंध दिए गए हैं बुलाए जाँच के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है यूनुस, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट्स लेते रहेंगे।